तो देखिए, मुर्तजा के लैपटॉप ने मुर्तजा के सारे राज खोल करके रख दिए हैं, तो वहीं उसका मोबाइल एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। आखिर मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले की योजना क्यों और कैसे बनाई? कौन था वो जो लगातार मुर्तजा को उकसा रहा था? किसमें खोया रहता था मुर्तजा, ये जानिए इस रिपोर्ट से। परत दर परत खोल रहे मुर्तजा की राह। मुर्तजा से मिल चुका था आतंकी मिनहास। आतंकी संगठन गजवातुल हिंद के गोरखपुर मंदिर हमले से कनेक्शन को तलाशा जा रहा है और साथ ही खोजा जा रहा है मुर्तजा के संगठन से रिलेशन। जैसे ही गोरखपुर मंदिर हमले की खबर आई, देश की एजेंसियां सक्रिय हो गई। तो गोरखपुर मंदिर से सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और पहले भी कई आतंकी संगठनों की तरफ से धमकी मिल चुकी है। ऐसे में एक एक परत को खोलने का काम किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा का कनेक्शन भारत में अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मिनहास से भी खंगाला जा रहा है। दरअसल पिछले साल जब एटीएस ने गजवातुल हिंद के विनाशकारी मंसूबों को बेनकाब करते हुए आतंकी मिनहास समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था, तब ये खुलासा हुआ था कि मिनहास काबिल और बेरोजगार युवाओं का माइंड वॉश करके उन्हें अपने संगठन से जोड़ता है। उसने कई बार गोरखपुर की यात्रा भी की थी। मुर्तजा भी पिछले करीब 1.5 साल से ही जिहादी मानसिकता में आया था। ऐसे में एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मुर्तजा को कहीं मिनहास ही अपने मिशन के लिए तैयार तो नहीं कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई आतंकी संगठन जांच की जद में आ रही हैं। खंगाला जा रहा गजवातुल हिंद से मुर्तजा कनेक्शन। आतंकी मिनहास और मुर्तजा के बीच कनेक्शन की तलाश। गजवातुल हिंद का आतंकी है मिनहास, अलकायदा का सहयोगी संगठन है गजवातुल हिंद। जैसे ही गजवातुल हिंद संगठन का नाम सामने आया, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि जब आतंकी मिनहास को गिरफ्तार किया गया था तो उसने कई खुलासे किए थे। आतंकी मिनहास ने गोरखपुर आने की बात कबूली थी। ब्रेन वॉश करने में माहिर था आतंकी मिनहास। 1.5 साल में कई बार गोरखपुर की रेकी की। अब जांच एजेंसियां लगातार मुर्तजा और मिनहास के बीच के संबंधों को खंगाल रही है, साथ ही पता कर रही है कि कहीं मिनहास नहीं तो मुर्तजा का माइंड वॉश तो नहीं किया था। इसके साथ ही जांच एजेंसी मुर्तजा से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मुर्तजा एक वीडियो को दिन में कई कई बार देखा करता था और वो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है बल्कि आतंक का वीडियो है। एटीएस और एसटीएफ मुर्तजा से जुड़े हुए हर राज को तलाशने में जुटी है, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ और एटीएस को जो क्लू मिले हैं उसमें जो मुर्तजा है वो अबू हमजा और जाकिर नाइक के माइंड वॉश वाले वीडियो देखता था। इसके साथ ही उसके पास से एक डिवाइस भी बरामद हुआ है जिसमें अरब के, अगर बात करें तो अरब के नाटो से संबंधित गुरिल्ला युद्ध वाले वीडियो मिले हैं। और जो एटीएस की टीम है वो जौनपुर पहुंची थी। जौनपुर में जांच एजेंसी को जो एक वीडियो अहमद मुर्तजा के पास से बरामद हुआ है उसमें जाकिर नाइक के माइंड वॉश वाले वीडियो मिले। आतंकी अबू हमजा का वीडियो देखता था मुर्तजा। मुर्तजा के पास से 8 मिनट की वीडियो बरामद हुई है। अरब देश में नाटो की लड़ाई का ये वीडियो है। जिन वीडियो की जांच एजेंसी कर रही है उन वीडियो की जानकारी उसके परिवार को भी नहीं थी। मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में बताया कि वो लैपटॉप और मोबाइल को दूसरे कमरे में रखता था और किसी से कुछ शेयर नहीं करता था। क्या उन वीडियोस को कभी आपने कभी ऐसा मतलब कभी ऐसे चलते फिरते भी कभी ऐसा देखा होगा कि कुछ इस तरह? नॉर्मली चीजें मम्मी के रूम में रखी रहती थी, लैपटॉप हो चाहे रात में फोन हो, सब उसका मम्मी के रूम में ही रहता था। हमारे रूम में वो कभी कुछ रखता नहीं था और हम आपको बता चुके हैं ज्यादातर वो अपनी मम्मी के पापा के रूम में ही सोता था। यानी मुर्तजा लगातार किसी न किसी से जुड़ा हुआ था और अपनी पत्नी से वो तमाम चीजें छिपा रहा था। अरब देश में नाटो की कार्रवाई का वीडियो देखना उसका शौक था और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने हमला किया उस वक्त उसके हाथ में धारदार हथियार था। गोरखपुर मामले के आरोपी मुर्तजा के पास से 3 हथियार मिले हैं।
अगर पहले हथियार की बात करें, जिस हथियार से मुर्तजा लगातार हमले कर रहा था उसकी लंबाई 14.5 सेंटीमीटर है और उसे बांका कहा जाता है। अगर दो अन्य हथियारों की बात कर लें तो एक बांका और एक चाकू मुर्तजा की बैग में होता है और जो बैग में हथियार है उसमें एक बांके की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और दूसरा चाकू मौजूद है। दरअसल हमले के बाद जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें मुर्तजा के पास से तीन हथियार बरामद हुए, दो हसिया और एक चाकू बरामद हुआ। केमिकल इंजीनियर के तौर पर पहचान रखने वाले मुर्तजा के इरादे कितने खौफनाक और खतरनाक थे और उसकी तैयारी वो कब से कर रहा था उसकी जानकारी मुर्तजा की पूर्व पत्नी तक को नहीं थी। लेकिन अब एक एक कर खुलासा हो रहा है कि मुर्तजा कब और क्या कर रहा था जिसने हड़कंप मचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।